नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पीपी न्यूज़, नजर हर खबर पर। चेकिंग के क्या वजह यहाँ पे आ जाए? वाराणसी में केसेज बढ़ते जा रहे हैं। अभी परसों 60 केसेज आए थे, कल 48 केसेज आए थे, तो फिर से लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, तो अच्छा रूप से घूम रहे हैं, प्रॉपर मास्क सैनिटाइजर और सब कर रहे हैं। तो ये केसेज संख्या बढ़ती जा रही है, इसको रोकथाम के लिए फिर से ये किया जा रहा है कि मार्केट में और मार्केट नंबर प्रूव करें, और जो 4 बजे या 5 बजे बाद जो भी अवधि है तो उसके बाद वो बाहर निकलें। और इसलिए जागरूकता भी किया जा रहा है, जो इसके पालन देते हैं उनका चलान किया जा रहा है। और हमारा यही है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि इस संबंध में वो लोग अपने संकेत उपाय कर सकें। और कोरोना वायरस के मामले अब तक कितना चेक इन हो चुका अब तक? लगभग 150 के ऊपर चेक इन किया जा चुका है, और 250 लोगों को जागरूक किया गया। और एक अनाउंसमेंट के माध्यम से पर्सनल किया जाता है, ग्रुप के माध्यम से किया जाता है। अपना नाम परिचय बताएं। आकाश कुमार यादव, न्यू कनेक्ट थाना संस्थागत। आकाश जी, ये आज चौकिंग चार्ज किस लिए जागरूकता की, क्या वजह किया है आपने? कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए, इसके प्रेजेंट रूप को देखते हुए चौकिंग चार्ज साहब ने दवा मार्केट की जागरूकता को बढ़ाने के लिए और बीच बना करके व्यापार करने के लिए ये जागरूकता अभियान किया। आपकी दवा मंडी में चंद पैसों खाते के कई दुकानों पर इतना भीड़ है, मारामारी है, न मुँह में मास्क लगाए हैं, इसका क्या वजह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दवा मार्केट में लगभग 70-80% दुकानदार लगाए हैं, जो नहीं लगाने उनके ऊपर कार्रवाई चौकिंग चार्ज तक कर रही है। अभी एक दुकान में छापामारी की है, करीब 25 लोग थे उसके अंदर। हाँ, तो भाई चौकिंग चार्ज का पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए जो है कि प्रशासन सक्रिय है। प्रशासन संतुष्ट है आप? बिल्कुल, एकदम प्रशासन की पूरी दवा मार्केट हो रहे हैं, सक्रियता बराबर बनी हुई है। 4 बजे तक दुकानें बढ़वा देते हैं, सभी दोस्त दुकानों को जाके हवा में होती है, प्रशासन अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं।